Welcome students in the organic chemistry lecture series. In this video we are going to study about acyl nucleophilic substitution. Now this is a special type of mechanism which is observed in acyl compounds. So before studying this acyl nucleophilic substitution we must know about what are acyl compounds. So ye acyl compounds kya hai, ye dekho, the carboxylic acid and their derivatives. आपको तो पता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब फंक्शनल ग्रुप आर सी ओ ओ एच एंड देयर डेरिवेटिव्स लाइक एसिड हैलाइड्स, अमाइड्स, इस्टर्स, अनहाइड्राइड्स, ऑल दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज असाइल कंपाउंड्स. क्यों हम इसको असाइल कंपाउंड्स कहते हैं? क्योंकि इनमें एक चीज कॉमन है. तो वो चीज क्या है कॉमन? कि इन सब में असाइल ग्रुप है. तो व्हाट इज असाइल ग्रुप? असाइल ग्रुप इज दिस फंक्शनैलिटी आर सी डबल वन ओ सिंगल बॉन्ड. हियर देयर विल बी एनी अनदर ग्रुप, एनी लिविंग ग्रुप. अगर आप एसिड हैलाइड देखते हैं तो यहाँ पर हेलोजन होगा, अमाइड है तो यहाँ पर NH2 होगा. ओके, सो लाइक दिस. सो ऑल द कंपाउंड्स विच हैव दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज असाइल ग्रुप एंड ऑल कंपाउंड्स हैविंग दिस ग्रुप आर कॉल्ड एज असाइल कंपाउंड्स. ओके, तो इन ऑल दिस असाइल कंपाउंड्स there is this acyl nucleophilic substitution. So what is acyl nucleophilic substitution? इसके बारे में हमें जानना है. तो आपको ये समझ में तो आया होगा कि what are acyl compounds? Acyl compounds means all are carboxylic acid derivatives having this acyl group are called as acyl compounds. तो ये acyl nucleophilic substitution क्या है, हम इसके बारे में जरा देखते हैं. देखो, now consider this general reaction. This is very simple. Don't worry about it. It is very simple. Okay. So consider the general reaction. This is R C double bond O X. अब यहाँ पर ये जो R है वो एनी अल्किल ग्रुप होगा, कोई भी अल्किल ग्रुप होगा यहाँ पर. और ये C double bond O कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल ग्रुप है, आपको पता है. और ये जो X है वो एनी लिविंग ग्रुप है. और NU this stands for nucleophile. Okay. तो आपको पता है कि दिस कार्बन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच टू ऑक्सीजन. सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी टूवर्ड्स ऑक्सीजन. सो हियर देर इज अ पॉजिटिव चार्ज, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगेन दिस इज अ लिविंग ग्रुप. ओके, नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और निगेटिव चार्ज. न्यूक्लियोफाइल आपको पता है, न्यूक्लियोफाइल मीन्स एनी स्पीसीज विच हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और निगेटिव चार्ज. सो दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन. ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस दिस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर के ऊपर अटैक करता है. ओके, और अटैक करने के बाद ये जो लिविंग ग्रुप है वो निकल जाता है और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ जाता है. तो दिस एक्स माइनस इज लिविंग ग्रुप. तो ये कंपाउंड फॉर्म हो जाता है. ओके, तो क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूशन हो रहा है. किसके ऊपर हो रहा है? तो असाइल ग्रुप के ऊपर हो रहा है. तो इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या कह सकते हैं? असाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. समझ में आया? न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन असाइल ग्रुप के ऊपर हो रहा है. ठीक है, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? असाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. तो देखो, फॉर एग्जांपल ये अल्किल ग्रुप जो है वो सपोज हमने CH3 लिया, CO, Cl और X के जगह पे हमने दिस Cl लिया. तो ये एसिडिल क्लोराइड है, बराबर CH3C11O Cl. तो ये असाइल कंपाउंड है, इसको हम एसिड क्लोराइड कहते हैं, राइट. तो अगर न्यूक्लियोफाइल हमने अमोनिया ले लिया, तो आपको पता है कि दिस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो ये जो नाइट्रोजन है अमोनिया का, ये क्या करेगा? इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और उसके बाद जो क्लोरिन है वो निकल जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप. तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3C11O NH2+HCl एज अ बाई प्रोडक्ट. ओके, तो वन मोर एग्जाम्पल देख लेते हैं. देखो, अब सपोज ये हमने इस्टर ले लिया, CH3C11O OC2H5. तो ये NaOH लिया यहाँ पर, ये NaOH एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा. तो दिस ऑक्सीजन विल अटैक ऑन दिस कार्बन अगेन एंड दिस OC2H5 विल बी रिमूव्ड एज अ लिविंग ग्रुप. सो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? CH3C11O Na +C2H5OH. तो आप कोई भी असाइल कंपाउंड लेते हो, अगर
उसके ऊपर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हैं तो हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम असाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल रिएक्शन, कुछ भी नहीं करने का, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बोनिल कार्बन के ऊपर करना है और लिविंग ग्रुप निकल निकल जाएगा और उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो वेरी सिंपल रिएक्शन है, कोई भी असाइल कंपाउंड हम लेते हैं और अगर उसकी रिएक्शन हम न्यूक्लियोफाइल के साथ करते हैं तो हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, असाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है ना, इसका मैकेनिज्म हमें देखना है, ठीक है? और जो मैकेनिज्म है उसको हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि असाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो मैकेनिज्म है उसे हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म कहते हैं। क्यों कहते हैं वो देख लेते हैं। देखो, असाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड्स इन टू स्टेप्स। अब ये जो रिएक्शन हमने देखी है उसके मैकेनिज्म के दो स्टेप है, तो हम वन बाय वन देखते हैं वो स्टेप्स। तो पहला स्टेप देख लीजिए, सपोज दिस इज स्टार्टिंग मटेरियल, यू नो दिस इज असाइल कंपाउंड, बिकॉज आर सी डबल बॉन्ड एक्स, हमने जो जनरल रिएक्शन देखी थी अगले वाले पिछले वाली साइड में, तो वहां पर आपको पता है ये। तो ये जो कंपाउंड है ये ट्राइगोनल प्लानर है, मतलब एक ही प्लेन में है ये सारे, मतलब दिस अल्किल ग्रुप कार्बन, दिस लिविंग ग्रुप एंड दिस डबल बॉन्ड ओ, ये सारे एक ही प्लेन में है, ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइगोनल प्लानर। तो हम अगर न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल कोई भी एंगल से अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक कर सकता है, या न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक कर सकता है, या न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक कर सकता है, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल प्लानर है। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल, सपोज न्यूक्लियोफाइल ने ऐसे अटैक किया, देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दिस कार्बन। तो ये तो मैंने रीजन बताया है आपको कि न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन के ऊपर ही क्यों अटैक करता है, क्योंकि दिस कार्बन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, बिकॉज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बॉन्ड्स आर शिफ्टेड टुवर्ड दिस ऑक्सीजन, सो दिस बिकम्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। सो दैट्स वाई न्यूक्लियोफाइल विच इज हैविंग इलेक्ट्रॉन्स अटैक्स ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन, ठीक है? कोई भी रिएक्शन अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड की देखते हो तो आप ये रिमेम्बर कीजिएगा कि न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक्स ऑन कार्बोनिल कार्बन, बिकॉज दैट इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर, ठीक है? तब ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक किया तो क्या हो जाएगा, ये हमें इंटरमीडिएट मिलेगा। अब देखो, ये आर सी एक्स न्यूक्लियोफाइल और ये ऑक्सीएनायन। तो आप इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देख लो जरा, इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो टेट्राहेड्रल है, बराबर? और ये जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो वो यहाँ पर हमने डॉट 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 दिखाया, वो अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर आके गया है, ठीक है? तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, और इसके बाद जो इंटरमीडिएट हमें मिलता है वो ये है। तो ये जो इंटरमीडिएट है ना, उसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो टेट्राहेड्रल है, ठीक है? ये जो इंटरमीडिएट है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री टेट्राहेड्रल है, ये आप देख लीजिए। आर जो है वो रेयर साइड पे है, एक्स जो है तो अपर साइड पे है, और ये दोनों न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन एक प्लेन में है। तो ये जो इंटरमीडिएट हम यहाँ पर देख रहे हैं वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, ठीक है? और इसकी वजह से ही इस मैकेनिज्म को टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म कहा जाता है, बिकॉज इन दिस मैकेनिज्म देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो आपको ये पहली स्टेज समझ में आई, क्या करना है पहली स्टेज में, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बन कार्बन के ऊपर करना है और देर इज फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो ये पहली स्टेप है, ठीक है? ये स्लो स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप एंड स्लो स्टेप, एंड दिस इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब अगले स्टेप में क्या होता है देखो, अब ये स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड में क्या हो जाता है, जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हमें मिलता है पहली स्टेप में, हमने देखा ना टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, तो उस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में जो लिविंग ग्रुप है वो निकल जाता है और फाइनली हमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलता है। तो आप देख लीजिए, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, बराबर? तो ये जो ऑक्सीएनायन है ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? और ये जो एक्स लिविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा। इसको निकलने का ड्राइविंग फोर्स क्या है,
ये बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जब जैसे ही ये ऑक्सीएनायन यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करता है, ये जो एक्स है वो निकल जाता है, ठीक है। तो अगेन ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर दिखाई और ये हो गया प्रोडक्ट। अभी आप देख लीजिए, दिस प्रोडक्ट इज अगेन ट्राइगोनल प्लानर। मतलब ये क्या हो गया कि न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो गया, कहाँ के ऊपर? कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। मतलब जहाँ पर लिविंग ग्रुप था वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको हम असाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये असाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गई है। व्हाट इज असाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देयर एग्जांपल्स एंड मैकेनिज्म, ठीक है। तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में बस हम इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में हम इसके डिफरेंट मैकेनिज्म है वो देख लेंगे। तो ये जनरल मैकेनिज्म हो गया असाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो आज के लिए बस इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।